वाह क्या लग रहा है लौंडा, ये लग रहा था दूल्हे, दूल्हे से कम लग रहा है क्या अपना भाई? भाई कहाँ यार, तू तो मेरे को चाचू बोलता है। ये तो दोस्तों फाइनली यहीं पे खत्म होती है हमारी भुवनेश्वर की सीरीज। आज अंजलि की भी शादी हो गई। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कल था महिला संगीत और रात को 1-2 बजे सो पाए थे और सुबह भी 5 बजे उठ गया था, लेकिन व्लॉग का नहीं कर पाया एडिटिंग वगैरह, क्योंकि ये महिला संगीत वाला व्लॉग पता ही आपको कॉपीराइट के काफी इशू रहते हैं। तो आज है शादी सेलसा रिजॉर्ट में और अभी फिलहाल सुबह के 8 बज रहे हैं। तो अभी हम नीचे यहाँ रोड तक आए थे कुछ सामान वामान छोड़ने, जो होटल जाएगा यहाँ से सेलसा रिजॉर्ट को, तो इसलिए नीचे आए थे। ये देखिए यहाँ नीचे पे आए थे हम लोग, अंकित लोग तो डोली लेने गए हैं नीचे। बाकी शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, सभी को स्वागत है आपका स्नेहा माई के एक नए दिन नए ब्लॉग में। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे, हम लोग भी बढ़िया। तो मौसम आज का कुछ ऐसा हो रहा है कि एकदम साफ मौसम है, कप के सनराइज हो चुका है, मस्त मौसम हो रखा है। और कल का लग रहा था दिक्कत कि कल कहीं बारिश वारिश ना हो जाए, लेकिन कल भी ठीक था मौसम, ठीक ठाक था। क्या था ये? बाकी आज तो बिल्कुल मस्त मौसम है। थोड़ी देर में 10 बजे तक हम लोग निकलेंगे सेलसा रिजॉर्ट को और बारात आएगी लगभग 12-1 बजे, नज़दीक से ही आने वाली है बारात भी। तो हम लोग उठा रहे हैं सेलसा रिजॉर्ट में आने का फायदा, फोटोज रील ये सब, और साथ साथ हमारा हो रहा है बारात का इंतजार। बारात आएगी, बारात जाएगी, उसके बाद ही घर जा पाऊंगा। आज पता नहीं, आज तो अंकित भी चले जाएगा दुल्हन के घर और फिर मैं निकलूंगा। पता चले रात हो गई, पता ही आपको पैदल जाना है, बाघ वाघ का खतरा बना रहता है ना अंकित? और अंकित तो आज वहाँ मेहमान रहेगा, खूब खातिरदारी होगी, तेरे सामने बोतल रखेंगे वहाँ अंकित के सामने रखेंगे बोतल, अंकित बोलेगा नहीं नहीं मैं तो नहीं पीता हूँ। बेच देंगे ना बढ़िया, रख लेना, बेच देना। हाँ ये सही है। बाकी सेलसा में भाई साहब गजब की भीड़ है, जो मतलब यहाँ पाताल भुवनेश्वर घूमने आते हैं ना वो लोग यहाँ स्टे करते हैं। ये देखिए गाड़ियाँ आ जा रही हैं और सारे काफ़ी सारे रूम्स वगैरह हैं इधर, तो मैक्सिमम बुक लग रहे हैं इस टाइम पे। बाकी ऐसा कुछ है सेलसा का नज़ारा जो कि बहुत ही खूबसूरत है, ऊपर का पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है। वाह क्या लग रहा है लौंडा, ये लग रहा था दूल्हे, दूल्हे से कम लग रहा है क्या अपना भाई? भाई कहाँ यार, तू तो मेरे को चाचू बोलता है, भतीजा मेरा। अच्छा फिर थोड़ा सा अंकित का करते हैं फोटोशूट, नया नया शूट लाया है। कितने का बोला तूने, 3500 का? तो बारात आने में तो अभी काफी टाइम लगेगा। यहाँ चल रहा है फोटोशूट दुल्हन का। वाह यार कितनी सुंदर लग रही है, डॉल लग रही है अंजलि बिल्कुल। तो धीरे धीरे रिजॉर्ट में भीड़ बढ़ने लग गई है, घर इतनी लोगों की बारात अभी नहीं आई है, देख सकते हैं चहल पहले स्टार्ट हो गई है, थोड़ी देर में बारात भी पहुंच जाएगी। टाइम हो रहा है 1 बज रहे करेक्ट, तो 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा है। देख सकते हैं आप नीचे पटाखे फूट रहे हैं, बारात पहुंच गई है, मतलब पहुँचने वाली है रिजॉर्ट में। डांस वांस चल रहा है, आधा घंटा 1 घंटा और लग सकता है, बाकी सब लोग ऊपर से देख रहे हैं। ये देखो और ये हमारी छोटी छोटी बहन है बारात के स्वागत के लिए।
बहुत कम ही देखा होगा आप लोगों ने भी कि दूल्हा डांस कर रहा है, और अच्छा लगता है जब दूल्हा डांस करता है। कहीं कहीं देखा है मैंने तो बढ़िया लग रहा है, ये भी मज़ा आ गया। मतलब ये देख के ना, ये वाला होना चाहिए दूल्हे का कॉन्फिडेंस, वो भी एंट्री के टाइम पे। देखो बस बारात पहुँच ही रही है गेट पर अभी। ये दुल्हन का भाई बारात स्वागत के लिए। तो ये सजा हुआ है मंडप। सैलासा रिजॉर्ट की सारी सुविधाएं मुझे ठीक ठाक सी लगती हैं, और बाकी दूल्हे को परखने का काम चल रहा है यहाँ पे। गजब लगती है पहाड़ की ये संस्कृति ना, ख़ास तौर पर कुमाऊँ की। ये परखने वाला जो सिस्टम है बड़ा अच्छा लगता है। तो सब लोगों का चल रहा है खाना पीना, हम लोग भी लग गए हैं लाइन में। ये देखिए सब लोग खा पी रहे हैं, वैसे बारात ही खा रहे हैं।
अंकित और मैं भी आए गए हैं। लोगों को यहाँ फुर्सत नहीं है। और ये देखो दुल्हन का भाई पेल के खाया जा रहा है। मैं भी खा लूँ क्या? खा लो, ले जाएंगे, खा को ले जाएंगे। दोपहर के 2:30 बज गए हैं और आंटी मैं नहीं आ रहा। हो गया हमारा अभी खाना पीना लंच वगैरह। इसने तो पेल के खाया है और हमने जल्दी भी जाना है, तो सोच रहा हूँ 4 बजे तक निकल जाऊँगा, क्योंकि रात हो गई तो आपको पता ही है सुरखाल जाने में दिक्कत हो जाती है। तो देखते हैं क्या चलता है। तो यहाँ हो रही है जयमाला की तैयारी। ये अंकित डांस क्या करे, थोड़ा सीधे चल जाओ बात जयमाला छोड़ दे। क्या बोल दी कंपनी सिद्ध मुंह से वाला मैं डॉक्टर दुपट्टा को ऐसे स्टिच कर लो। स्टिच कटा आईडी का है। तो जयमाला की तैयारी हो रही है, जल्दी से जल्दी जितना को निपट जाए, क्योंकि मुझे तो इसके बाद भागना है। जितनी जल्दी ये सब निपटेगा उतनी जल्दी मैं भी भागता हूँ घर को 4:30 तक। और देखिए क्या सुंदर लग रही है हमारी अंजलि। मुझे लग रहा है दूल्हे के होश उड़ने वाले हैं, बस डांस वांस करते हुए चले तो मज़ा आ जाए। अंकित कल तो बहुत डांस कर रहा था। यार मुझे तो लग रहा है ना कि जयमाला होते होते ही 4 बज जाएंगे। चलो अंकित कुछ क्लिप्स भेजेगा तो ऐड करूंगा। चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियां, चल पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। तो ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं और फोटोशूट चल ही रहा है अभी तक। दूल्हा दुल्हन ने अभी तक ना खाना भी नहीं खाया है, मुझे लग रहा है काफ़ी लेट हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ मैं निकल जाऊँ एक बार, थोड़ा सा ये फोटोशूट हो जाए और मैं अंजलि को मिल लूँ थोड़ा, उसके बाद निकलता हूँ यार मैं भी। ओ जहाँ जिक्र तेरा निकल रहा हूँ मैं, 4 बज गए हैं, लेट हो जाऊँगा इस वजह से फटाफट निकल रहा हूँ। मौसम भी थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है अब, तो मिलते हैं अंकित जल्दी। बाई गिद्धि को भी बाई बाई। और खाना पीना सब हो ही गया था, निकलते हैं। बाकी थोड़ी बहुत क्लिप अगर मिल गई तो अंकित भेजेगा मुझे, व्लॉग में ज़रूर ऐड करूँगा, नहीं मिलेगी तो क्या ही कर सकते हैं, फोटोज भेज दें है ना। जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र थे।
या शाम है, तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है। आंखें मेरी सपना तेरा, सपने सुबह शाम है, तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है। ऐसी लगन बांधे हुए हूँ मैं खड़ा अब वहाँ, जिस छोर पे था झूठा मेरा, हाथों से तेरे हाथ, जिसने आसाया, जिसने रुलाया, जीना सिखाया। तो दोस्तों फाइनली यहीं पे खत्म होती है हमारी भुवनेश्वर की सीरीज। आज अंजलि की भी शादी हो गई, मतलब अभी तक तो नहीं हुई है, जब तक आप व्लॉग देखेंगे तब तक हो चुकी होगी। जब मैं निकल रहा हूँ इस टाइम पे नहीं हुई है अभी शादी, मतलब शादी चल रही है, अभी जयमाला ही हुई थी, दूल्हा दुल्हन ने खाना भी नहीं खाया था, काफ़ी लेट हो जाता है अगर मैं पूरी शादी के लिए रुकता तो, लगभग 6-7 तो बज ही जाएगा मतलब। और मुझे टाइम पे निकलना भी ज़रूरी था क्योंकि ऊपर को फिर मुझे पैदल जाना पड़ता है थोड़ा सा, तो वो वाला रास्ता ना थोड़ा बाघ वाघ के डर से काफ़ी ख़राब रास्ता है, तो कोई नहीं, बाकी अंकित से बोल के आया हूँ अगर कुछ क्लिप्स मिलेंगी तो ज़रूर ऐड करूँगा इस वीडियो में। बाकी हमारे न्यूली मैरिड कपल को ढेर सारी शुभकामनाएं, अंजलि को भी कविंद्र को भी ढेरों शुभकामनाएं अपकमिंग लाइफ के लिए, होप कि लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आए, कि अभी सबसे मिल के तो आ ही गया था मैं, अंजलि से भी मिल के आ गया था, और ये दो दिन ना गजब के बीते हैं भुवनेश्वर में, होप कि जल्दी आने का मौका मिले भुवनेश्वर फिर से। वैसे प्लान तो था केप जाने का, देखूंगा अगर बीच में टाइम लगेगा तो एक बार अंकित अगर घर होगा, आज मैं वहां रुक सकता था वैसे, लेकिन अकेले रुकने का मन सा नहीं हो रहा था क्योंकि अंकित निकल जाएगा दुल्हन के साथ, अंजलि के साथ, फिर मैं अकेले अकेले बोर हो जाऊंगा ऐसा फील कर रहा था मैं, तो इस वजह से मैंने कहा यार निकल ही जाऊंगा, शादी वगैरह सब बढ़िया करके निपटी गई है। और फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ दसाई थल, बस यहाँ से 3 किलोमीटर और आगे सुरखाल, वहाँ से फिर पैदल। सच में आने का इतनी जल्दी मन नहीं था लेकिन क्या कर सकते हैं, और अंजलि से जिस टाइम पे मिल के आया बुरा भी लग रहा था। तो ये है दसाई थल की मार्केट जो कि आधे से ज़्यादा इस टाइम पे बंद पड़ी है। चलते हैं सीधे सुरखाल को। कभी कभी गंगोली हटाना होता रहता है, तो अंजलि भी मिलते रहती थी, अब पता नहीं कब मिल पाएगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है अंजलि हरियाणा पानीपत निकल जाएगी क्योंकि वहीं रहते हैं हम लोग, पता नहीं अब कभी मिलना हो पाएगा। बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप जिंदाबाद।